एक फार्म हाउस में तेंदुआ दिखाई दिया था। एक बच्चे ने इसकी सूचना दी। उसके बाद वन विभाग ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। गेहूं की फसल की आड़ लेकर तेंदुए ने वन विभाग के कर्मचारियों को घंटों छकाया, लेकिन पकड़ा नहीं जा सका। शाम को सर्च ऑपरेशन बंद कर दिया गया। 2 साल पहले हुए वन्य जीवों की गणना में मध्य प्रदेश में 1817 तेंदुए मिले थे, भी उसे पकड़ नहीं पाई। वन विभाग की टीम को पता चला कि तेंदुआ एक निर्माणाधीन मकान में छिप गया है और वन विभाग के कर्मचारी उसे निकालने की कोशिश कर ही रहे थे कि तेंदुए ने एक कर्मचारी पर भी हमला कर दिया। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। इस खूंखार तेंदुए को पकड़ने का प्रयास फिर से शुरू किया गया। जू प्रभारी उत्तम यादव के नेतृत्व में निर्माणाधीन मकान को जाल से चारों तरफ से कवर किया गया और फिर तेंदुए को बेहोशी का इंजेक्शन एयरगन की मदद से लगाया गया। उसके बाद भी तेंदुआ कंट्रोल में नहीं आ रहा था। जाएगा और इसे फिर जंगल में छोड़ दिया जाएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।